Well, assalamu alaikum everyone. This is RJ Hardee and today we are at CGC Chargrill Central, jinki first ever branch open ho chuki hai Bahria down phase 7 ke andar. Aaj se pehle tak hum inke burgers wagaira takeaway aur delivery pe hi avail kar rahe the, but finally they have opened their first ever branch in Bahria down phase 7. Khaas baat ye hai that they specialize in grilled chicken and grilled beef burgers. I've tried so many grilled burgers including Hardee's and so many others, but jo Chargrill Central ka maza hai wo aapko try karke hi pata lag sakta. So let's head out to Chargrill Central. करते हैं चिकन ओवरड्राइव और एक आप सिंपल ओवरड्राइव बीफ में जो होता है वो करते हैं और इसके अलावा एक लार्ज कर्ली फ्राइज करते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं साथ कुछ. चार्गिल सेंट्रल की सबसे बेहतरीन बात ये है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे हमेशा फ्राइज बिल्कुल फ्रेश और जो फ्राइज का क्रिस्प है, टू बी ऑनेस्ट ना मुझे ये क्रिस्प केएफसी में के फ्राइज में मिला है, ना मैकडॉनल्ड्स में, ना हार्डीज में. हाँ, हार्डीज के कर्ली फ्राइज अच्छे हैं, बट ये जो कर्ली फ्राइज हैं इनका अपना ही लेवल है. फिर दो बर्गर्स हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं, मानी भाई ने और मैंने. मैंने चिकन ओवर ड्राइव ऑर्डर किया है. ये सीजीसी में मेरा फेवरेट बर्गर है. ग्रिल्ड चिकन भी मैं खाता हूँ, बट क्योंकि इसके अंदर एलपिनो है और इट गिव्स यू यू नो सॉर्ट ऑफ स्पाइसी फील ऑल ओवर, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेस्टफुल ये लगता है. आई एम गोना टेक अ बाइट एंड आई एम गोना गिव यू माय ऑनेस्ट रिव्यू राइट हियर राइट नाउ. This, my friends, is one of the most legit grilled chicken burgers I've ever had. Patty itni soft hai. Grill mein bhi normally hota hai. Patty sometimes hoti hai, kabhi kahin se hard hoti hai, kahin se burnt hoti hai. But ye bahut equally grill kiya gaya hai. Kahin se jali bhi nahi hai, kahin se ye isme aisa koi kacha ya soft nahi hai kahin se bhi. Bahut soft patty hai aur bahut juicy hai. जो फ्लेवर्स हैं ओवरऑल पैटी के अंदर वो इतनी खूबसूरती के साथ ब्लेंडिंग हुआ है. असद भाई आ गए हैं जो कि यहाँ पे काउंटर पे हमें मिले थे, काउंटर संभाल रहे थे. हो सकता है पीछे से खजाना लूट के कोई ले जाए क्योंकि खाली है अभी काउंटर, लेकिन दिल पे पत्थर रख के असद भाई आ गए. असद भाई बताएं क्या बात है, पैटी में जो फ्लेवर है वो बड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मैरिनेशन के टाइम पर कुछ होता है या ग्रिल करते हुए होता है, क्या सीन क्या है? सर हमारी जो होती है पेटी, जब हम ग्रिल पे जाते हैं उस पर टाइम लगे होता है, टाइमर लगे होते हैं सामने, तो उसका एक टाइम प्रॉपर होता है पेटी पकने का. अच्छा, तो जब डाल दी जाती है उसके बाद फिर इसको पलटने का भी टाइम है. पलटने के बाद इसके ऊपर हम तरह नमक डालते हैं और ग्रिल जो होता है पेपर पेपर लगाते हैं और उसके बाद जो है इसको हम थर्मा में उससे भी चेक करते हैं. अच्छा, और टाइमर जो है उसके अलावा चेक होता है सर. अच्छा, मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑपरेट किया जाता है. हर जगह से चेक होती है. अच्छा, मिडल से भी, साइडों से भी चेक होती है. अच्छा, हर साइड से पैटी चेक किया जाता है. वेरी नाइस भाई. मैं देखिए जी, बात ये होती है कि अगर आपके प्रोसेसेस डिफाइंड है इनसाइड द किचन तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को अल्टीमेटली मिल सकती है. एम्बियंस इज वेरी कूजी. बड़े रेड और येलो कलर का इन्होंने एम्बियंस के कॉम्बिनेशन बनाए हैं. जब आप एंटर होते हैं तो आपको इसका एनवायरनमेंट देख के थोड़ी बहुत जो है ना भूख भी लगती है और थोड़ा बहुत आपका मूड भी बेहतर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. आई थिंक यू शुड
definitely come over here and give it a try. बहुत से brands हैं जो overhyped हैं, but it's been a long while कि उन्होंने real value जो है वो deliver करना बंद कर दिया है. Such chains जो कि locally established हुई हैं और locally उसको एक system के तहत जो है manage किया जा रहा है, I think उनको appreciate भी करना चाहिए और उनको बिल्कुल try और उनको बिल्कुल try करना चाहिए so that we have more options to live with. All right, guys, this is all for today's episode. This is RJ Hardee and along with Mani Minati signing off for today's episode. And we will be back with another exciting food review very soon. So keep watching FoodTuber. Stay tuned. Take care. Bye bye.